फैक्ट नंबर वन, आखिर टाटा का जूडियो इतनी महंगाई के बाद भी इतने सस्ते कपड़े कैसे बेच रहा है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपकी प्यार की जरूरत है। दरअसल जूडियो टाटा ग्रुप का एक क्लोथिंग ब्रांड है जो ज्यादातर किफायती क्लोथिंग पर फोकस करता है, और जूडियो में कपड़े सीधे फैक्ट्री से आते हैं, जिसकी वजह से जूडियो में सभी कपड़े 999 रुपए से 999 रुपए तक के अंदर ही मिल जाते हैं। साथ ही जूडियो ज्यादातर फास्ट फैशन मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें वो ट्रेंडिंग फैशन वाले कपड़ों को बल्क में बनाकर भेजता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जूडियो अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करता, और ना ही जूडियो की टीवी पर कोई ऐड आती है, क्योंकि उनकी ज्यादातर मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट्स सस्ते और अच्छे होने की वजह से वर्ड ऑफ माउथ से ही हो जाती है। फैक्ट नंबर टू, गाइस क्या आप भी गर्मियों में आम यानी कि मैंगो को देखकर उसे खाने के लिए टूट पड़ते हो और उसे पानी में कम से कम 30 मिनट के लिए डालकर नहीं रखते हो, तो सावधान हो जाओ। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए भाई ऐसा है कि हमारी दादी नानियां भी ये कहा करती थी कि आम को पहले ठंडे पानी में डालकर रखो। अब उसकी क्या वजह है? वजह नंबर एक, आम में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो हमारी बॉडी में रैशेज और मुहासे तक पैदा कर देती है, पर जिसे अगर पानी में डालकर अगर आप रखते हो तो उसका हीटिंग इफेक्ट यानी कि गर्मी कम हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? नंबर दो, आमों को पकाने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है उससे हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और गट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आपने आम को पानी में डालकर रखा तो ये सारे के सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं। और नंबर तीन, आम में विटामिन ए, के, बी, सी और ई के अलावा इसमें फिटिक एसिड पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। पानी में अगर आप इसको 30 मिनट तक डाल के रखते हो तो ये फिटिक एसिड भी निकल जाता है।